पीटीआई को, नून लीग वालों को क्यों सपोर्ट नहीं करना, क्या ऐसी वजह है? बस ये लोग सारे ही चोर हैं। सारे ही चोर हैं। जिस तरह इन लोगों के इनिशिएटिव्स है, जिस तरह इन लोगों ने काम संभाला है, तो मुझे नहीं लगता इनको दोबारा इलेक्शन में हमें चांस देना चाहिए। पीटीआई ने पाकिस्तानी के लिए काफी काम किया है। आई शुड चेंज, आई शुड कन्वर्ट माय ओपिनियन फ्रॉम पीटीआई टू नून लीग। तो अभी हमारे जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने हमें एक शौर दिया है। पहले हमें ना हमें वोट का पता था, इसलिए कि वो मुल्क के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया का लीडर है, इस्लामी लीडर है। नाज़रीन, मुझे कहते हैं नताशा रहमान और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर की मुख्तलिफ यूसेज में हम जा रहे हैं और वहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, लोगों के मसाइल सुना रहे हैं। आज हम लाहौर के हलका नंबर NH 133 में मौजूद हैं। यहाँ इस हलके से MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जीत चुकी हैं और PP की बात करें तो यहाँ 3 PPs आती हैं, PP 166, PP 167, PP 168। आज हम PP 167 में मौजूद हैं और इसकी UC की बात करें तो UC 220 है, विफाकी कॉलोनी है, जोहर टाउन का ये इलाका है। विफाकी कॉलोनी की अगर हम बात करें कौन कौन से इलाके आते हैं, तो विफाकी कॉलोनी में गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 37 तक आता है। और इसके अलावा पूरे अगर हम NA की आबादी की बात कर लेते हैं, तो पूरे NA की जो आबादी है वो तकरीबन 7,80,000 से ज़ायद आबादी है। 7,80,000 एक आबादी होती है, बहुत ज़्यादा आबादी है। PP के यहाँ से बात कर लेते हैं तो PP यहाँ से 167 से नज़ीर अहमद चौहान साहब जीत चुके हैं, जो कि PTI से हैं। आज हम इस UC के लोगों से उनके मसले सुनेंगे और ये भी बताएंगे कि इस UC का क्या हाल है, यहाँ लोगों को क्या मसले मसाइल हैं। तो हमारे साथ हैं नाज़रीन, UC 220 विफाकी कॉलोनी में हम मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मलबा पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। हुकूमत की जानिब से बहुत सारे दावे किए गए थे कि जब नई गवर्नमेंट बनाएंगे, PTI की जानिब से ये दावे किए गए थे, जब वो नई गवर्नमेंट बनाएंगे तो लोगों को सहूलियात देंगे, गंदगी नहीं फैलने देंगे, सीवरेज का निज़ाम सही करेंगे, बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन वो दावे कहाँ गए? वो दावे सिर्फ हवाओं में रह गए हैं, लोगों तक वो दावे वफा नहीं हो सके हैं। अगर हम इस UC की चेयरमैन की बात कर लेते हैं, तो इस UC से जो चेयरमैन हैं वो मोहम्मद आमिर साहब हैं, और वाइस चेयरमैन की बात कर लें तो वाइस चेयरमैन यहाँ से ज़ुल्फ़कार साहब जीत चुके हैं। अभी हम यहाँ के जो लोग हैं, अहले इलाका हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं इस इलाके में और वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नाज़रीन, विफाकी कॉलोनी में हम मौजूद हैं, UC 220 है, यहाँ से हम लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं बल्दियात के इलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम। बल्दियात के इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम शुरू से ही तहरीक लबैक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एक तो उस्ताद ग्रामी हैं, दूसरा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए निकले हैं, इस वजह से हमारा शुरू से ही इन्हीं को वोट जाता है। PTI को, नून लीग वालों को क्यों सपोर्ट नहीं करना, क्या ऐसी वजह है? बस ये लोग सारे ही चोर हैं। सारे ही चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बल्दियात के इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं बीइंग ऑनेस्ट कहूँगा PTI को हमें करना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो सबको पता है बढ़ रही है, लेकिन पूरी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो नो ऑफेंस अगर मैं कहूँ कि और ऑप्शन कैसे नहीं है, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक लबैक है, और बाकी बहुत सारी पार्टीज़ हैं। बिल्कुल, हम सबको नज़र आ रहे हैं पार्टीज़, तो पिछले 50-60 साल से वो लोग कैंपेन कर रहे हैं, मुल्क में हुकूमत भी की है। तो जिस तरह इन लोगों के इनिशिएटिव्स है, जिस तरह इन लोगों ने काम संभाला है, तो मुझे नहीं लगता इनको दोबारा इलेक्शन में हमें चांस देना चाहिए। आप जौहर टाउन विफाकी कॉलोनी में रह रहे हैं, UC 220 में, जी यहाँ आपको कैसे, कोई प्रॉब्लम है? सर्दियों में गैस नहीं आती है, बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं फेस करना पड़ते हैं। UC लेवल पे जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने कितने काम कराए हैं, क्या लगता है कि इस दफ़ा दोबारा से, क्योंकि यहाँ से पहले नून लीग के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं वो जीत चुके हैं, अभी लगता है कि दोबारा वो इसी इलाके से आएंगे? मैम देखो, मसले मसाइल की बात करें, हम गरीब मुल्क है, ठीक है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें काफ़ी टाइम लगेगा सारी चीज़ों को ठीक करते करते। बाकी होती है गट्स, होते हैं लोगों में, आपको नज़र आता है कि इस बंदे में इतना पोटेंशियल है, इतना कर सकता है। आप उसका बैकग्राउंड उठाओगे कि इसने इतना अपने लाइफ में अचीवमेंट किया है, और अगर ये सियासत में आएगा ये इतना कर पाएगा। तो अगर हम ये नून लीगियों की बात करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, के मुझे नहीं लगता इनमें कोई गट्स है। सर, बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? PTI को जी।
पीटीआई को क्यों सपोर्ट करेंगे? पीटीआई ने पाकिस्तानी के लिए काफी काम किया है क्योंकि पाकिस्तान का गन साफ करते करते बहुत ज्यादा। कभी कभी इस इलाके में चेयरमैन वाइस चेयरमैन आए? नहीं, मैंने कभी देखा। नून लीग नहीं देखा मैंने कभी ना। हालांकि पीटीआई का एमपी है लेकिन जो बल्दियात के हैं जो हमारे साथ इसी इलाके की एक रिहायशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, बल्दियात के इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी? सपोर्ट तो जो है वो देखा जाए तो, चूँकि मैं बेसिकली आई बिलोंग टू बहावलपुर, रिसेंटली हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो मैंने जो यहाँ देखा है कि वफाकी में ये होता है कि यहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम खास नहीं है। जी जी। और जो है बारिश होती है तो पानी इकट्ठा रहता है, कई कई दिन इकट्ठा रहता है। हाँ। और इवन बच्चे कोई एमपीएमएनए आया यहाँ से पूछने कि आपको क्या मुश्किलात हैं, बारिश होती है पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई निकलवाने के लिए आया हो, कभी आपने कंप्लेन की हो? नहीं, कोई सच तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि कोई आया हो, या हमने जो है कंप्लेन तो होती रहती हैं। ख़ास तौर पे जो इशू है यहाँ पे हमको हम सबको इस एरियाज में जितने भी लोग हैं उन सबको ये है कि जो गार्बेज है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसको कोई उठाने वाला नहीं होता कितने कितने दिन, और जिसकी वजह से फिर इतने मच्छर इस सोसाइटी में पैदा हो गए हैं कि उनको जो है ना सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल। अच्छा, आप पीटीआई को सपोर्ट कर रही हैं, पीटीआई ने बड़ी महंगाई कर दी है, तो लगता है कि इस दफ़ा पीटीआई जीतेगी? देखिए, महंगाई तो जो है वो हर दौर में ही रही है, वो तो आपको पता है, लेकिन गरीब बंदा फ्रूट्स नहीं ले सकता। जी, ऐसा और है। अपनी खाने की चीजें, अपना खाना, दो टाइम की रोटी पूरी कर ले, वही बड़ी बात है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा है, महंगाई तो है। अभी मैं जब ये ले रही थी फ्रूट तो मैं उससे बात कर रही थी, उस ग्रोसर से, कि रमजान आ रहा है तो रमजान में क्या बनेगा। डेफिनेटली जो गरीब बंदे के लिए तो एक वक्त दो वक्त की रोटी ही मुश्किल है, बिल्कुल। तो ये तो है, महंगाई तो है, जो चीज मानने वाली है उसको हमें कन्फेस करना चाहिए। अभी क्या अपील करना चाहेंगी कि बल्दियात के इलेक्शन के लिए आपके पास वोट मांगने के लिए कैंडिडेट्स आ जाएंगे? जी जी। तो वोट आप कहेंगी कि आप उनको ही वोट देंगी, या तो ये कहा जाएगा अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं पहले साडा काम करो तो फिर वोट दवांगे? नहीं, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आई शुड कन्वर्ट माई ओपिनियन फ्रॉम पीटीआई टू नॉन लीग, आई थिंक सो। अच्छा, एंड द रीजन इज दैट, ये जो आप बता रही हैं कि महंगाई है, तो दिस इज़ द रीज़न। कहिएगा, नून लीग के लोगों ने, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन नून लीग के रह चुके हैं, बल्दियात के जब टेन्योर था जी, जी। उन्होंने अपना टेन्योर मुकम्मल किया, क्या कुछ काम कराए, और अभी आपको क्या लगता है कि इस इलाके में कौन कौन से काम होने वाले हैं? उन्होंने काफ़ी काम करवाया क्योंकि ये सड़कों का बहुत बुरा हाल था, सीवरेज का बहुत बुरा हाल था। उन्होंने तकरीबन टोटली जो वफाकी की गलियाँ ना सब में टोटली सड़कें बनवाई हैं, सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर किया। ठीक है, अभी आप बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? नून लीग को। नून लीग को क्यों? क्योंकि ये काम, ये छोटे मोटे जो जितने भी काम है सारे इन्होंने करवाए हैं। अब इस दफ़ा क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी बल्दियात में? देखें जी, मैं तो यही कहूँगा कि आज हम मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन पीटीआई को जीतना चाहिए। उसकी ये वजह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे लिए तो चलें कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इंशाल्लाह जो है ना आगे से आसानी से अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो गुजार सके। आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? देखें, नून लीग की पीपल्स पार्टी भी है। जी जी। पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे मैडम? इसकी ये वजह है कि पहले जो हुकूमतें थी उसमें एजुकेशन नहीं थी, यानी कि लोगों में शऊर नहीं था। तो अभी हमारे जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने हमें एक शऊर दिया है। पहले हमें ना हमें वोट का पता था, उन्होंने हमें वोट की अहमियत बताई। कभी आपने वोट नहीं कास्ट किया था क्या इमरान खान के पहले? नहीं, उससे पहले भी किया था, लेकिन इतना हमें शऊर नहीं था कि वोट की अहमियत का नहीं था हमें पता। अब हमें अभी हमें वोट की अहमियत बता दें। उसकी अहमियत यही है कि अभी हमें पता है कि अगर हमें कोई इशू आया या हमें कोई मसला आया तो हम क्या कर सकते हैं। पहले हमें इसके बारे में नहीं पता था, हमें ये पता था कि जी हमने नून लीग को वोट देना है, हमने पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया घर बैठ के। हमें आगे का नहीं था पता था कि हमारे वोट की अहमियत क्या है। इसका हमारे लीडर ने हमें बताया है कि इसके वोट की आपकी अहमियत क्या है। बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं चाचा जी, किसको सपोर्ट करेंगे? पीटीआई को, इमरान खान को। पीटीआई को क्यों? इसलिए कि वो मुल्क के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया का लीडर है, इस्लामी लीडर है। आपको लगता है कि बल्दियाती निज़ाम पे भी पीटीआई मार्का मार जाएगी? मैं कहता हूँ कि ये जो लुटेरे थे, चोर थे, पीपल पार्टी, जरदारी ग्रुप, नवाज शरीफ ग्रुप, उनसे ये लाख दर्जे बेहतर है। अच्छा, विफाकी कॉलोनी में बड़े मसले मसाइल हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत काम शुरू है इस वक्त, आज तक किसी ने नहीं किया।
अच्छा मुझे बताएं कि कभी एमपीए कभी एमपीएमएनए यहां पे आया, कभी वाइस चेयरमैन चेयरमैन आए यहां पे देखने? वाइस चेयरमैन चेयरमैन इस वक्त नून लीग के, अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह का शुक्र है वो नजर नहीं आते और ना उन्हें नजर आना है क्योंकि कुछ और है। कभी वो चौहान एमपीए है, नजीर चौहान एमपीए है, वो आते हैं। शाह साहब अवेज मलिक साहब आए हैं, वो आज तक घर से नहीं निकली, वो सिर्फ टीवी पे नजर आती है। अच्छा चाचा जी, बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, केरी पार्टी सपोर्ट? असी पीटीआई नु सपोर्ट करांगे, ओदी वजह हैगी है कि करप्शन मुकाना चाहने हैं इस मुल्क जो असी। अच्छा ते तानू लगदा है करप्शन मुक जाएगी पीटीआई दे आने? आहिस्ता आहिस्ता ही मुकेगी, लेकिन मुकनी चाहिदी है हर सूरत। लेकिन इमरान खान साहब ने ना नकदियां लकीरां कटाटियां ने गरीब आवाम दियां, महंगाई तो ऑल वर्ल्ड चल रहे हैं, पूरे एशिया दे विच महंगाई चल रही है। नून लीग नु क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? नहीं नहीं, करप्ट हुक्मरानों नु किस तरह सपोर्ट करिए मैनूं दसो ना। अच्छा अखां देखी मक्खी जड़ी है वो कोई भी नहीं खांदा। कभी ऐसे इलाके च एमपी एमएनए आया या कोई वाइस चेयरमैन चेयरमैन आया एस यूसी दे विच? नहीं, असी घाटी देखे उन्होंने इत्थे फिरदे। हां जी नाजीन, आज हम जौहर टाउन की यूसी 220 में मौजूद थे, विफाकी कॉलोनी है ये। यहाँ से जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन अगर हम बात करें तो वो जुल्फकार साहब हैं और साथ ही साथ जो चेयरमैन हैं वो मोहम्मद आमिर साहब हैं। उन्होंने कभी भी इस यूसी का विज़िट नहीं किया। इस यूसी में जब लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने अपने मसाइल हमें बताए और बताया कि सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर बेहतर नहीं है और साथ ही साथ जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, गली मोहल्ले नहीं बनाए जा रहे, लोगों को काफ़ी मसाइल हैं। और इसके साथ साथ अगर हम एम पी एम एन ए की बात कर लें तो एम एन ए यहाँ से शास्ता परवेज़ मलिक साहिबा भी कभी इस इलाके में नहीं आई, उन्होंने लोगों के मसाइल नहीं सुने। क्या ये है नया पाकिस्तान जो लोगों को जलील किया जा रहा है? जब बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम इस दफ़ा पी टी आई को और नून लीग को, लोगों ने मिला जुला हमें जवाब दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि हम पी टी आई को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोगों ने कहा कि हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे। हम दोबारा से नई यूसी में जाएंगे, वहाँ जाके वहाँ के हालात देखेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे और लोगों से ये भी पूछेंगे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें तब तक के लिए इजाज़त दें, दोबारा से हम हाज़िर होंगे, एक नई यूसी में जाएंगे, हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।